यात्रा का लक्ष्य जो देश में नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है और डर फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ खड़ा होना, उसके खिलाफ हमने यह यात्रा शुरू की। देखिए, आरएसएस बीजेपी का तरीका क्या करते हैं, वो सबसे पहले वो समाज में डर फैलाते हैं। लोग सोचते हैं कि बीजेपी और आरएसएस नफरत फैलाते हैं, मगर नहीं, पहले वो डर फैलाते हैं और डर को नफरत में बदलते हैं। डर कैसे फैलाते हैं? सबसे पहले जो इस देश को भोजन देता है, देश का किसान दिन भर 24 घंटा काम करता है। यात्रा में हम 6 बजे शुरू करते हैं, हिंदुस्तान का किसान 4 बजे काम शुरू करता है, और कोई 4 बजे शुरू नहीं करता है, और कोई 4 बजे काम शुरू नहीं करता है, हिंदुस्तान का किसान 4 बजे काम शुरू करता है। एक तरफ नरेंद्र मोदी भाषण करेंगे, दूसरी तरफ आपकी जेब में से पैसा निकलेगा, डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कुछ भी हो जाए, पेट्रोल के दाम गिरे, डीजल के दाम गिरे, तेल के दाम गिरे, हिंदुस्तान में नहीं गिर सकते, कभी नहीं गिर सकते एनडीए की सरकार में। प्रधानमंत्री जी आते थे, कहते थे यूपीए के समय कहते थे 400 रुपए सिलेंडर के हो गए हैं, शर्म करो। आज रेट क्या है? 1200। आज शर्म की बात क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री? और ये जो भाइयों और बहनों, ये जो 400 रुपए सिलेंडर मिलता था और आज जो ये 1200 का हो गया, ये आपने कभी सोचा ये जो पैसा आपकी रसोई में से छीना जा रहा है, ये जा पा रहा है, ये सोचा आपने? नहीं सोचा। ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों में जिम्मे जा रहा है सीधा। ये नाम ले लिए, देखो नाम ले लिए, पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो किसान को ऐसे डराते हैं। अब चलिए छोटे दुकानदार की बात करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस की बात करते हैं, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो इस देश को रोजगार देते हैं। ये जो अरबपति है 2-3 जिनके आपने नाम लिए, दो तीन नहीं, मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया था, हम दो हमारे दो, दो सरकार में है और दो बाहर है, 4 लोग हैं। ये देखो इन्होंने बोला दो सरकार में, दो बाजार में। तो छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले देश को रोजगार देते हैं। कोई 200 युवाओं को रोजगार देता है, कोई 400 को, कोई 500, कोई 1000 को, कोई 2000 को, और ऐसे हिंदुस्तान में लाखों बिजनेस हो गए, लाखों छोटी छोटी दुकानें। अब प्रधानमंत्री जी ने मन बना लिया है कि ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं ये सब बंद हो, और इनके बजाय
दो तीन अरबपति, लाखों दुकानें लगाएंगे। और प्रधानमंत्री ने मन बता दिया है कि हिंदुस्तान का जो छोटा व्यापारी है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस इसको हम कहते हैं, उन सबको खत्म करना है। उनकी दुकानें, उनके व्यापार, उनके बिजनेस बंद करने हैं। तरीका क्या है? नोटबंदी और जीएसटी, नोटबंदी और जीएसटी। भाइयों और बहनों, ये पॉलिसी नहीं है, ये हथियार है। ये छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को मारने के हथियार है ये तो। क्यों डर पैदा करना? क्यों नफरत चाहिए? देश को बांटना है, देश में हिंसा फैलानी है, और जनता का ध्यान असली मुद्दों पर नहीं आने देना।